बीजेपी का मिशन ट्रेनिंग। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज, मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो बीजेपी मिशन ट्रेनिंग में जुट चुकी है और बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हो रहा है। आज से फरीदाबाद में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ी डिटेल इस बारे में आपको बता दूं, बड़ी खबर क्या आ रही है उसकी भी जानकारी आपको दे दूं। प्रशिक्षण शिविर की तैयारियों में खुद सीएम मनोहर लाल इस प्रशिक्षण शिविर में पहुंचेंगे और तैयारियों को जिस तरह से पूरा किया गया है उससे ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े लेवल पर यह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ है। सीएम मनोहर लाल प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे, थोड़ी देर में फरीदाबाद पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इसमें मौजूद रहेंगे, कई केंद्रीय मंत्री भी प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे। हरियाणा बीजेपी के सभी मंत्री मौजूद रहने वाले हैं, हरियाणा बीजेपी के सभी जिलाध्यक्ष भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो सैद्धांतिक व्यवहारिक विषयों पर चर्चा होगी, विकासात्मक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। 17 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का संबोधन भी रहेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर हरियाणा बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है, आज से फरीदाबाद में कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राजेंद्र जुड़ गए हैं। राजेंद्र, सबसे पहले तो जानकारी दीजिए, अपडेट दीजिए, क्योंकि 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पहुंचना है और अब 11 बज चुके हैं, अभी कितना समय और है और क्या तैयारियां देख पा रहे हैं आप, क्या अपडेट दे पाएंगे? सृष्टि, बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा, अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और हमारे साथ यहाँ पर पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी हैं, इनसे हम जानकारी लेते हैं। मंत्री, क्या मानते हैं? मुख्यमंत्री जी बस आ गए हैं सामने, 1 मिनट के अंदर अंदर पहुंच गए हैं और बहुत अच्छा मेरे को लगता है कि ये शिविर रहने वाला है, 3 दिन का जो ये अपना प्रशिक्षण शिविर है, तो 3 दिन रहने वाला है। कहीं ना कहीं सीएम साहब पहुंच चुके हैं और क्या क्या रहने वाला है शिविर में? 3 दिन के अंदर फिर चर्चा कि आने वाला 2024 हो, किस तरीके का, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे हरियाणा विधानसभा की बात हो, बूथ स्तर तक जाकर कैसे हम पार्टी को और संगठन को मजबूत कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा वोटरों को अपनी ओर आकर्षित। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सीएम साहब का आगमन यहाँ पर हो चुका है और ये मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं और तमाम जो नेता हैं उनके स्वागत में यहाँ पर डटे हुए हैं। सीएम साहब का यहाँ पर आगमन हो चुका है और कहीं ना कहीं ठीक 11 बजे का समय दिया गया था, तो अपने निर्धारित समय पर सीएम मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अपना वहाँ पर रजिस्ट्रेशन वो करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है उससे वो यहाँ पर आप देख रहे हैं रूबरू हो रहे हैं। तमाम जो बेंच यहाँ पर लगाई गई हैं अलग अलग जिले के लिए, पंचकूला, अम्बाला और यमुनानगर की जो बेंच यहाँ पर टेबल नंबर 1 लगाई गई है उस पर अपना वो रजिस्ट्रेशन जो है करा रहे हैं और कहीं ना कहीं तमाम बड़े नेता भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे उनके कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो सभी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। और कहीं ना कहीं लगातार जो है इस शिविर को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी, तो अब वो समय आ चुका है और अब इस शिविर का कुछ ही देर में यहाँ पर शुभारंभ हो जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरें, सीएम मनोहर लाल हैं, साथ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हैं, इसके अलावा संदीप जोशी यहाँ पर हैं, गोपाल शर्मा हैं जिला अध्यक्ष, इसके अलावा और तमाम बड़े जो नेता हैं जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। मंत्री अनिल विजय हैं वो भी यहाँ पर हैं और कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पहुंचने से लगातार जो है गहमा गहमी यहाँ पर जो है बढ़ गई है और तमाम जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनमें उत्साह है क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से निर्धारित जो समय दिया गया था उससे यहाँ पर पहुंचे हैं और अब कुछ ही देर में जो सत्र है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसका शुभारंभ अब मुख्यमंत्री जो यहाँ पर कर देंगे और मुख्यमंत्री अब इस समय जो है अंदर उनको ले जाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो एक प्रक्रिया थी जो सैद्धांतिक की जो बात कही गई थी और जो वैचारिक की बात कही जा रही है कि भाई इसमें वैचारिक जो है यहाँ पर मुद्दे रहने वाले हैं और सिद्धांतों पर जो है चर्चा होगी और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो चर्चा है वो होनी है और कहीं ना कहीं जो विकास कार्य। राजेंद्र, आपने सही समय पर यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। राजेंद्र, साथ ही तस्वीरें तो दिखाते रहिए और ये भी बताइए कि मुख्य बातें इस प्रशिक्षण शिविर की क्या रहने वाली है? देखिए, मुख्य बातों की बात करें तो तमाम जो नेता वो पहुंच चुके हैं, सैद्धांतिक हो चाहे वैचारिक हो, देवेंद्र हमारे साथ सहयोजक हैं। देवेंद्र, क्या मानते हैं, क्या कुछ रहने वाला है?
देखिए आज ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का प्रशिक्षण वर्ग शुरू हुआ है, जिसमें हमारे केंद्र के नेता और संगठन के बड़े पदाधिकारी हरियाणा प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को आज से इस 3 दिन के शिविर में उनका शिक्षण होगा। उनको 3 दिन के इस प्रशिक्षण में कैसे पार्टी की मंथन होना हो, किस चीज देखिए पार्टी की रीति नीतियों में किस तरह से चलकर और उन्होंने देश के लिए अपनी क्या भागीदारी तय करनी है उसके बारे में हमारे नेताओं और संगठन के लोगों के द्वारा। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, कितनी देर में? अभी सभी नेता पहुंचने शुरू हुए हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री यहां पहुंच चुके हैं। लगभग एक घंटे के भीतर अगले सत्रों की शुरुआत यहां पर होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक घंटे के अंदर अंदर वो सत्रों की शुरुआत यहां पर शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस फोर्स है या डीसी है या सीपी है वो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए विधायक सीमा तिरखा भी यहां पर है, इनसे भी हम जान लेते हैं। सीमा जी मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, क्या कुछ रहने वाला है, कितना उत्साह है? ये भारतीय जनता पार्टी की एक परिपाटी है, रीति नीति है कि हम लोग अक्सर शिविर लगाते हैं जिसमें आगे की योजना को लेकर के और पिछले जो हमारा समय बीता उसमें हमने क्या काम किए हैं, तो दोनों पर विचार विमर्श किया जाता है। और आज जो 3 दिन का शिविर लग रहा है सूरजकुंड में, इसमें सरकार का बड़े से बड़ा ओहदेदार कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित है और विभिन्न लोगों को वक्तव्य देने का मौका दिया जाएगा जिसे हम सब लोग सुनेंगे और उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। 2024 के लक्ष्य को साधने की बात की जा रही है, किस तरीके से ट्रेंड यहाँ पर, किस तरीके से प्रशिक्षण उन कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा जो जनता के बीच में जाकर सरकार की जो नीतियाँ हैं उनका बखान करें? भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपने कहा 2024 का लक्ष्य नहीं, हमारा रोज लक्ष्य है और उस लक्ष्य को जब आप रोज क्रॉस करते हैं तो आप 24 तक भी पहुंच जाएंगे और 29 तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांत हैं, क्या हम लोग उसके ऊपर पूरे उतर रहे हैं या हमें उसे और संवारने की निखारने की आवश्यकता है? इसके अलावा जब ऐसी रचना होती है, जब सरकार बन जाती है किसी भी पार्टी की, तो हम ये भी चिंतन करते हैं कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग का विषय है जिससे पूरे समाज पूरे देश के ऊपर जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उनका चिंतन भी किया जाता है। कितने सत्र आज रहने वाले हैं? रोज के लगभग 4 सत्र रहने वाले हैं और अलग अलग हमारे आदरणीय प्रवक्ता आएंगे जो मैं समझती हूँ हमारे सेंटर से भी और स्टेट से भी हमें बताएंगे। कितना फायदा पहुंचेगा इस प्रशिक्षण शिविर के बाद, क्योंकि सूरजकुंड को वैसे भी आप लोग लकी मान? सूरजकुंड इसमें कोई शक नहीं है, बहुत लकी है। और जो फायदे की बात कर रहे हैं, आज हम सब लोग एक स्टूडेंट के रूप में उपस्थित हुए हैं, तो जितना स्टूडेंट अटेंटिव होगा निश्चित रूप में वो आगे बढ़ेगा और पूरे परिवार को, जब मैं परिवार की बात करती हूँ तो उसमें भाजपा परिवार, हरियाणा का समस्त परिवार जो माननीय मुख्यमंत्री जी का है 2.5 करोड़ जनता का, उसको आगे लेने की एक ऐसी कामना करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो 2.5 करोड़ लोगों का परिवार है उसको आगे किस तरीके से बढ़ा जाए उसकी वो कामना करते हैं। साफ तौर पर जो बीजेपी की जो नीतियां हैं ऐसी उनको जनता में पहुंचाने का काम किया जाएगा और कहीं ना कहीं लोगों को काफी किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको लगातार सुनीता दुग्गल जी हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रोटोकॉल है एक बनाया गया, अलग अलग टेबलें बनाई गई, गुरुग्राम नूह पलवल ऐसे ही 4 जिलों की टेबलें बनाई गई। सुनीता जी क्या मानते हैं, पहुंचे कितना उत्साह देख रहे हैं और जो 2024 का जो लक्ष्य है उसको लेकर क्या कुछ प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाए? देखिए ये हमारे संगठन की परंपरा है, आप देख रहे होंगे कि चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों नहीं है, चाहे कोई कितने ही बड़े पद पे क्यों नहीं है, सबके सब हम लाइन में लग के अपना अपना जो भी हमें सामग्री है वो हमें मिलती है। और इसके साथ साथ बहुत जबरदस्त उत्साह हमारे सभी कार्यकर्ताओं के अंदर है, जोश है, क्योंकि माननीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं वो समय समय पर जो है कार्यक्रम करते रहते हैं। तो ये एक प्रशिक्षण शिविर है जिसके अंदर हमारे संगठन के जो सीनियर लीडर्स हैं और जैसे कि माननीय बीएल संतोष जी हैं, माननीय वी सतीश जी हैं, माननीय शिव प्रकाश जी हैं, वो लोग आएंगे और उनका एक एक लेक्चर होगा। इसके साथ साथ जो केंद्र में मंत्री हैं माननीय शेखावत जी हैं, माननीय हमारे उपेंद्र यादव जी हैं, उन सबका जो है भी लेक्चर यहाँ पर होगा और एक प्रशिक्षण शिविर ये कार्यक्रम होगा यहाँ।
प्रशिक्षण शिविर की आप बात कर रहे हैं, किस तरीके का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि लोग आगे जाके सरकार की जो नीतियां हैं उनको किस तरीके से लोगों तक पहुंचे? देखिए प्रशिक्षण क्या है कि एक तो सबसे पहले बड़ी प्रशिक्षण की हमारे संगठन की खास बात यह है कि हम सब लोग किसी भी पद पे क्यों ना है हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, सबसे बड़ा प्रशिक्षण तो यही है। और इसके अलावा जो भी सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हैं चाहे वो राज्य सरकार की हैं, उनको धरातल पर पहुंचाना, इस सब चीज के बारे में भी बताया जाता है। तो आज कितने सत्र रहने वाले हैं? मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, कितनी देर में शुभारंभ करते हैं? 11:50 के करीब जो है उद्घाटन हो जाएगा और उसके बाद आज तीन सत्र हैं और जो है और पहला दिन है आज और 3 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर। कहीं ना कहीं उससे कुछ ही देर में जो है शुभारंभ उसका होने वाला है, तो लोगों जो काफी जेपी दलाल जी हैं कि लगातार मैं तो सीधा विदेश से यहीं पर आ रहा हूं कार्यक्रम के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी की विशेषता यही है कि प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा भाव से लगा रहता है, जनता की सेवा करना, आम नागरिक की सेवा करना, कुछ इकट्ठे होकर के इसी चिंतन में हम लगे रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सेवा कैसे कर पाए। कितनी देर में शुरुआत? अभी शुरुआत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जेपी दलाल तो सीधे विदेश से यहाँ पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं जो उनकी नीतियां उनको जनता तक किस तरीके से पहुंचाया जाए इसको लेकर वो सभी जो नेता हैं, और साफ तौर पर कहा है कि वो छात्र बन के यहाँ पर आए हैं, जो सीनियर लीडर हैं वो अपनी जो अनुभव हैं उनको यहाँ शेयर करेंगे और उन अनुभवों को जनता तक आगे पहुंचाया जाएगा ताकि जनता का ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव बीजेपी की तरफ हो सके। जी सृष्टि। चलिए राजेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और इस बीच कुछ और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनका परिचय करवा देती हूँ। मेरे साथ प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी जुड़े हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर विधु रावल जी आपका ही रुख करना चाहूंगी, बीजेपी ने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है, 3 दिवसीय शिविर है, बहुत बड़ा कार्यक्रम इसे माना जा रहा है। सबसे पहले तो मकसद बता दीजिए इसका क्या क्या है, निशाना कहाँ कहाँ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी से 2024 की तैयारियों में भी बीजेपी जुट चुकी है। आपने निशाना पूछा, तो आपको निशाना बता दूं, निशाना एक ही जगह है, निशाना और लक्ष्य एक ही है, भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाना। मुझे बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, वॉइस आ रही है सर, दुरुस्त करवाते हैं। हेलो, दुरुस्त करवा रहे हैं सर डिस्टर्बेंस को, लेकिन आपकी वॉइस हमें निशाना और लक्ष्य जिसे आप, तो भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाना लक्ष्य है। उस लक्ष्य के लिए हम नित प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार काम करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित पार्टी है, और विचार भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाना है। हम केवल एक साधन है, हम सब वो साधन, किस प्रकार से अपने आप को वैचारिक तौर पर मजबूत करना, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति, राष्ट्रवाद के साथ किस प्रकार से हम लोग भारत को विश्व में विश्वगुरु बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, जो तेज कदम है, और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, ये जो एक ध्येय रहा है इसी के लिए प्रशिक्षण किया जाता है, एक निरंतर सतत प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी कोई अन्य दल नहीं है, इसलिए जब श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी कहा करते थे कि वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस, हम अन्य दलों से भिन्न है, यही हमारी भिन्नता है। हमारा कार्यकर्ता प्रशिक्षित है, उसका लक्ष्य, उसका ध्येय, उसका मकसद और उसका मिशन जो है वो बिल्कुल जो है निर्धारित है, और वो मकसद जो है वो देश के लिए काम करना है। संगठन से बड़ा देश और देश से बड़ा कोई नहीं, इस भाव के साथ हम लोग काम करते हैं। नहीं, देश के लिए काम करना है सर आप कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं वही पूछूंगी मकसद क्या है, क्योंकि बड़े से बड़े नेता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता, हर कोई इस शिविर में शामिल हो रहा है। जी, मकसद एक सतत है, एक निरंतर मकसद है। निरंतर मकसद ये है, भारत जो कि विश्व के पटल पर छाया रहा है, लाखों वर्ष तक, सैकड़ों वर्ष तक, हजारों वर्ष तक छाया रहा है, पिछले कुछ कालखंड में जिस प्रकार से पतन हुआ है, हम किस प्रकार से अपनी भारत माता को उस जगह पर विराजमान करें जहां की वो सही हकदार है,
और वो भारत माता विश्वगुरु के रूप में प्रस्थापित हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में किस प्रकार से हम योगदान दे सकते हैं, ये मकसद है। और इसी के लिए यहाँ सूरजकुंड में, जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सूरजकुंड में यहाँ पर 3 दिवसीय शिविर लगाया गया है। इसमें सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा जो प्रदेश स्तर के यहाँ पर हैं। इससे पहले भी हमने जो है जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग लगाए, हमने मंडल स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग लगाए, और आप हैरान होंगे कि हमने अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता को भी प्रशिक्षित किया है। चलिए ठीक है, एक निरंतर एक साइक्लिक प्रोसेस है यहाँ पर अन्य। ओके सर, वेद प्रकाश जी आप कैसे देख रहे हैं इस प्रशिक्षण शिविर को? देखिए, पहले तो मैं भाजपा को अपने शिविर में अच्छे परिणाम निकले इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। वही यह अपेक्षा करता हूं कि भाजपा जुमलेबाजी करने की बजाय जो हरियाणा के सामने ज्वलंत मुद्दे हैं, बेकारी है, गरीबी है, भूखमरी है, आर्थिक बदहाली है, इनके ऊपर ध्यान केंद्रित करके अपनी कोई स्पष्ट नीति बताएगी जिससे प्रदेशवासियों को, जो देश के अंदर बेरोजगारी पर नंबर वन है, अपराध में हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इन सभी चीजों पर अंकुश लग सके। अभी हमारे मिस्टर प्रोफेसर रावल जी ने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया, उन्होंने कहा ये प्रशिक्षण भारत माता को प्रतिष्ठित करने के लिए है, उसको बड़ा बनाने के लिए है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, आप सांप्रदायिक उन्माद नफरत के बीज युवाओं के मन में बोकर भारत का गौरव तो नहीं बढ़ा रहे, पर पूरी दुनिया के सामने भारत को नीचा जरूर दिखा रहे हैं। तभी तो आपकी एक प्रवक्ता के बयान के बाद जो खाड़ी देश हैं उन्होंने किस तरह हमको लताड़ा, आज तक नहीं लताड़ा। आपने कहा एक कालखंड के अंदर भारत की गरिमा कम हो गई थी, हम बढ़ा रहे हैं। आप ठीक बढ़ा रहे हैं, रुपया गिर रहा है, भारत पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, जेंडर इक्वलिटी का इक्वल इंडेक्शन आया है, भारत 146 देशों के अंदर 135वें देश पर है, वो महिलाओं पर निर्भर करता है कि महिलाओं की भारत में क्या स्थिति है। सृष्टि जी, आप भी एक महिला हैं, और इन्होंने कहा कि सूरजकुंड हमारे लिए लक्की, आपके रिपोर्टर ने भी कहा, अच्छी बात है। पर जो भाजपा कभी सादगी का संदेश देती थी, कहते हम बड़े सादे थे, जब से उनको सत्ता मिली है 7 साल 9 महीना हो गया, उनकी सादगी का ये आलम है कि उनकी हर बैठक 5-स्टार कल्चर में होती है। सूरजकुंड सबसे महंगा पर्यटन केंद्र है हरियाणा का, 350 के करीब इनके साथी कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं, और 3 दिन तक करोड़ों रुपया खर्च होगा। ये खर्च पार्टी देगी या सरकार देगी या कौन देगा? सादगी की बात करने वाले, मित्रता की बात करने वाले, भारत के गौरव की बात करने वाले 5-स्टार होटलों में बैठकर चिंतन मनन नहीं किया करते हैं। तो देखना है या कि भाजपा के चिंतन मनन से क्या निष्कर्ष निकलता है। चलिए सप्रा साहब, आपसे जानना चाहूंगी, ओपनिंग कमेंट भी लेना चाहूंगी। कहा जा रहा है कि मिशन 2024 को साधना है, कहीं ना कहीं उसी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, चर्चा होगी। आज हरियाणा सरकार और बीजेपी संगठन, इसका एक तरह से संगम हो रहा है सूरजकुंड में फरीदाबाद के, और ये 3 दिन चलेगा। इसमें इन्होंने सभी जो विधायक हैं, जो भाजपा के विधायक हैं, सांसद हैं, हरियाणा के मंत्री हैं, केंद्र से मंत्री भी आ रहे हैं, केंद्र से संगठन मंत्री भी आ रहे हैं, और ये भी सुना जा रहा है जेपी नड्डा जी भी आ रहे हैं। अब इनके सामने बीजेपी के लिए वैसे ही कोई नई बात नहीं है शिविर, अभी इन्होंने गुजरात में भी ऐसे स्टेट लेवल पे लगाया था पहले, अब कांग्रेस ने भी लगाया अपना पूरा राष्ट्रीय स्तर का उदयपुर में, फिर भाजपा ने राजस्थान में लगाया अपना राष्ट्रीय स्तर का, जहां मोदी साहब भी पहुंचे थे, और अब ये हरियाणा में चल रहा 3 दिन। अब इनके सामने जो टारगेट है वो बिल्कुल, चाहे इन्होंने नाम दिया चिंतन मंथन और जनसंपर्क, एक तरह से इनके सामने मिशन वही है 2024, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी हैं और लोकसभा चुनाव भी हैं। अभी इन्होंने निकाय चुनावों में ये भी कहा जाता है ये शहरी पार्टी है जो इन पे ठप्पा लगा हुआ है, इन्होंने अच्छा जो है ना परफॉर्मेंस दिया है, और यहाँ पे नगर निगम और अभी पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, और इसमें शायद इस पे चर्चा बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये चाहेंगे भाई गांवों में किस तरह से जनसंपर्क किया जाए, और किस तरह से जो कल्याणकारी नीतियां जो उसकी चाहे केंद्र की हैं या राज्य सरकार की हैं, उसको गांवों में शहरों में पहुंचाया जाए। असली जो इनका जो टारगेट है वो 2024 है, और ये बिल्कुल अभी विद्रोही साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जब इस तरह के शिविर होते हैं
और आप सारे के सारे फाइव स्टार में बैठ जाते हैं, इट्स रियली सॉरी, करोड़ों रुपया उसमें खर्च होता है। वहां पे किसी धर्मशाला में बैठ जाइए, किसी पार्क में शमियाना लगाइए ना, बहुत बढ़िया सा, अब कितने करोड़ रुपए खर्च होता है ऐसे शिविर पे, बताइए बताइए आप, जहां पे अब गरीब जनता, बिल्कुल सही है, कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, मतलब उन चर्चा ये करेंगे उस पर, ऐसी बात नहीं है, परंतु असली जो इनका जो टारगेट है वो 2024 का चुनाव है बिल्कुल। और ये क्योंकि ये भाजपा की ये बिल्कुल ये होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है, चाहे वो भारत माता की जय भी बोलते हैं, देशभक्ति भी दिखाते हैं, सब सब मुद्दे भी चलते हैं, परंतु असली जो है ना ये इनका जो टारगेट होता है राजनीतिक पार्टीज का, वो सामने वोट बैंक चुनाव होता है, और भाजपा 24/7 और ये 365 दिन चलती रहती है, और इसका मतलब विपक्षी पार्टियां ये नहीं कर पा रही, और कांग्रेस इस बारे में वो सोच भी नहीं पाती, ठीक है, ये सच्चाई है, ठीक है, कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं कमी है। रावल साहब, मैं सुन रहा था, अपने साथी प्रवक्ताओं को सुन रहा था, वो किस प्रकार से बात कर रहे थे उनका जवाब दे देता हूँ। वैसे भारतीय जनता पार्टी का ये सिद्धांतिक राजनीतिक और किस प्रकार से राष्ट्रवाद के जो विषयों पर हम काम कर रहे हैं उसको लेकर हमारा ये जो है एक प्रशिक्षण वर्ग है, लेकिन हमारे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ वेद प्रकाश जी, उन्होंने कहा कि बेकारी है, बदहाली है, बिल्कुल कांग्रेस के अंदर जबरदस्त तरीके की बेकारी है, हरियाणा की जनता ने, देश की जनता ने कांग्रेस को बेकार कर दिया है, बदहाल कर दिया है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। हरियाणा की जहां तक बात है, हरियाणा का हैप्पीनेस इंडेक्स जो है आज देश के अंदर अग्रणी राज्य बन चुका है हरियाणा हैप्पीनेस इंडेक्स में, जिस प्रकार से हमने लिविंग इंडेक्स हमारा बढ़ाया है, कांग्रेस को तो बदहाली लगेगी ना, क्योंकि कांग्रेस को तो सत्ता से बाहर निकाल दिया हरियाणा की जनता ने। फिर दोनों लोगों ने, विश्लेषक साहब ने भी और कांग्रेस वाले साहब जो है उन्होंने भी कहा, खर्च की बात कही उन्होंने, कहा फाइव स्टार। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बूथ का कार्यकर्ता है, वो जमीन से जमीन पर काम करने वाला कार्यकर्ता है, कांग्रेस की तरह कोई राजवंशी किसी राजमाता की कोख से पैदा हुआ कार्यकर्ता नहीं है, वो हरियाणा का आमजन है, और हरियाणा जो है वो हरियाणा के आमजन का कार्यकर्ता है, और भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो जन जन में से निकला हुआ व्यक्ति होता है। तो आज वो अगर फाइव स्टार होटल में अगर कर रहा है, या थ्री स्टार में कर रहा है, या वन स्टार में कर रहा है, तो ये कह रहे हैं कि धर्मशाला में क्यों नहीं करते। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना कि फाइव स्टार तो केवल गांधियों के लिए, नेहरूओं के लिए, माइनों के लिए, वाड्राओं के लिए केवल रिजर्व है, भाजपा का कार्यकर्ता जो अपने अपना परना लेकर जो है 45 डिग्री के अंदर जो है काम करता है और भारतीय भारत माता की जय का उद्घोष लगाता है, उसके लिए नहीं है। ये खर्च की बात पूछ रहे थे, खर्च की मैं पूछना चाहूंगा, अभी कांग्रेस का जो चिंतन शिविर हुआ था राजस्थान में जयपुर में, वो कौन सी धर्मशाला में हुआ था बता दें जरा। और दूसरा सवाल ये पूछ लूंगा, क्योंकि इन्होंने सवाल खड़ा किया, मैं मेरा मकसद आज कटु बोलने का नहीं था, लेकिन ये खर्च की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी एक महीने में दो बार विदेशी यात्रा करते हैं, उसका खर्च कौन उठाता है? इस समय कहां है राहुल गांधी जब मैं और आप बात कर रहे हैं? तो स्थान पर है, इतना गुप्त क्यों रखा जाता है? सोनाधारी वाजपेयी, उनको उनका इलाज करवाने से मना कर दिया था, बीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में उनके घुटनों का जो है ट्रांसप्लांटेशन हुई थी, उनके साथ खुद को कंपेयर करना एक बार देखिए तो सही। मैं बहुत बार हैरान होता हूं, ठीक है आपका एक डिबेट का डेकोरम है, आप भाजपा वाले प्रवक्ता के साथ कांग्रेस वाले प्रवक्ताओं को बिठा लेते हैं, लेकिन हमारा इनके साथ वैचारिक तौर पर, सिद्धांतिक तौर पर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इतना इन 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 लोगों का तो केवल यही है, हम भी खाएं तुम भी खाओ, आओ मिलकर मौज मनाएं, हम कहते हैं हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, इस राष्ट्र को जो है प्रगति के पथ पर लेकर जाएंगे। और एक बात और कहता हूं, हम जब वंदे मातरम कहते हैं उसके जवाब में कांग्रेस के पास क्या है? ये कांग्रेसी जब चिल्ला चिल्लाकर वंदे माता रोम कहते हैं, रोम की माता की वंदे करते हैं, हम भारत माता की वंदे करते हैं, हम वंदे मातरम वाले लोग हैं, इनके साथ कतई कंपैरिजन नहीं है। दूसरी बात, जब रैलियों में खड़े होकर ये कांग्रेसी कभी सोनिया गांधी जिंदाबाद, कभी राहुल गांधी जिंदाबाद, कभी राजीव गांधी अमर रहे, कभी इंदिरा गांधी अमर रहे कहते हैं, उसके जवाब में जब भारत का प्रधानमंत्री आकर और भारत का कोई भाजपा का कोई भी नेता आकर जब ये कहता है भारत माता की जय, तो उसमें भारत के सबसे गरीब, भारत के सबसे दरिद्र व्यक्ति के भी पितरों की जय होती है। ये लोग आज तक हमें अपने अपने केवल माँ बाप की जय करवाते रहे, अपने खानदान की जय करवाते रहे, ये राजवंशी जो हैं, इनकी सोच केवल वहां तक है, भाजपा के साथ आसपास भी दूर तक छू नहीं सकते, क्योंकि तैयारियों की बात करेंगे से इतने अशुद्ध है ये, ठीक है, मिशन की बात करेंगे। वेद प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी फिर से जिस तरह से तैयारियों में जुट गई है 2024 की, कहीं ना कहीं कड़ा कंपटीशन देने के मूड में फिर से बीजेपी नजर आ रही है, कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस
की क्या तैयारियां हैं इसको लेकर, साथ ही एक बड़ा यहां पर शिविर जो है वो आयोजित किया गया है, शीर्ष नेता से लेकर निचले स्तर तक के हर नेता यहां पर मौजूद होगा, कार्यकर्ता मौजूद होगा, कहीं ना कहीं उनको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे जो उपलब्धियां रही हैं सरकार की वो जनता तक पहुंचानी है, मोटिव मेन मकसद 24 नजर आ रहे हैं। देखिए मैंने तो पहले ही कहा था, हम भाजपा की तरह न छल करते, ना झूठ बोलते, ना सांप्रदायिक उन्माद फैलाते, नहीं कार्यकर्ताओं को ट्रेन करने में कैसा छल सर? सुन लीजिए ना मैडम, मेरी बात तो सुन लीजिए ना, ये शिवर करें, मैंने भी इनको शुभकामनाएं दी, और जहां तक कड़ा संघर्ष की बात है, ना पिछली बार कड़ा संघर्ष ये दे पाए थे, इनको हरियाणा की जनता ने आउट कर दिया था, इन्होंने 75 पार का नारा दिया था, जनता ने इनको 40 सीट दी, ये तो दुष्यंत चौटाला जी ने जनता के साथ धोखा किया कि जमुना पार पहुंची पार्टी को नला धुलाकर वापिस हरियाणा में ले आए और इनको सत्ता सौंप दी, जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया था, और इनकी सत्ता के आने के बाद दो उपचुनाव हुए हैं, लोग विधानसभा के दोनों में आ रहे हैं, तो 2024 में मेरी बात याद रखना, भाजपा हरियाणा में कड़ा संघर्ष तो दूर की बात है, ये 20 सीट भी नहीं जीत पाएंगे, हरियाणा की जनता अब की बार इनको ऐसा जमना पार करेगी कि कोई इनको वापिस वहां से नला धुला कर भी वापिस लाना चाहेगा तो ये वापिस नहीं आ सकेंगे। तो आएगा कौन सत्ता में सर? जी आएगा कौन सत्ता में फिर, किसकी जीत होगी? हमारी होगी, हरियाणा में तो कुछ दूसरा है ही, और जहां तक इन्होंने, मैंने इनके पैसे पर सवाल नहीं उठाया, ये कहीं भी करें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैंने कहा कि ये सादगी का नाटक करते हैं, हम बड़े सादे हैं, हम फलाने हैं, तो इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि भाई सत्ता है, सत्ता का आनंद लेंगे हम, हमारा कार्यकर्ता है फास्ट चार में आएगा, जरूर जरूर आप आनंद लें, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, पर ये सादगी की नौटंकी मत करें, ये राष्ट्रवाद की नौटंकी ना करें, ये देशभक्ति की नौटंकी ना करें, आप दलाल है पैसे वालों के हरियाणा पर, ये गरीब बदहाली नहीं, हमने जब सत्ता छोड़ी, जब 70,000 करोड़ का कर्ज था, आज 3,24,448 करोड़ का कर्ज हरियाणा पे इन्होंने लाद दिया, वो कहाँ गया पैसा, कौन खा गया उस पैसे को, हरियाणा में तो कहीं विकास हुआ नहीं, वो सारा पैसा संघीय और भाजपा की तिजोरियों में चला गया, जो इनके कार्यालयों से दिखता है, जो इनके शिविरों में खर्च करने वाले पैसों से दिखता है, जो इनकी खरीद फरोख्त की राजनीति में दिखता है, जो इनके व्यवहार और आचरण में दिखता है, लगातार झूठ बोल रहे हैं, सारे हरियाणा को लूट कर खा गए, ये ईमानदारी की बात करते हैं, और हमने कौन सी गलत बात कही, भाई प्रदेश के अंदर बेकारी है, कानून व्यवस्था खराब है, हम इस पर सवाल नहीं उठाए, लेकिन लूटा किसने सर, कर्ज तो आपकी सरकार ने भी लिया था, कर्ज तो आपकी सरकार में भी लिया गया था, कह रहा हूँ मैडम सरस्वती जी, मैं तो मान रहा हूँ 70,000 करोड़ था, पर 5 गुना कैसे बढ़ गया, 70,000 करोड़ का 3,24,448 करोड़ रुपए कैसे बढ़ गया? नहीं, बीजेपी कह रही है आपके आंकड़े दुरुस्त नहीं है, 3 लाख से ज्यादा जो आप बता रहे हैं, ये तो हर बात में यही कहते हैं कि जो हम कहे वही सही, हमारे आंकड़े गलत हैं, फिर ये विधानसभा में जब इनके आंकड़े आते हैं, सृष्टि जी केवल 10 सेकंड हो जाते हैं सर, आ रही हूँ और अपडेट दे दूं कि डिबेट इस चर्चा को हम एक घंटे कंटिन्यू करेंगे सर, 12 बजे तक इसको कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि विषय अच्छा है, बड़ा है और बातें बहुत सारी है कहने के लिए, तो पहले सर अपनी बात पूरी कर ले फिर रावल साहब आपके पास आएंगे। जो दल फासिज्म में विश्वास करता हो, जो दल छल में विश्वास करता हो, जो दल झूठ में विश्वास करता हो, वो तो कोई आंकड़े मानेगा ही नहीं, इनका देश से लेकर प्रदेश का रिकॉर्ड है, विधानसभा में ये कुछ कहते हैं, लोकसभा में कुछ कहते हैं, स्टेज पे कुछ कहते हैं, डिबेट में कुछ कहते हैं, ये किसी आंकड़े को मानते नहीं, हमने तो मुख्यमंत्री को चुनौती दी है, मैंने तो आज भी वक्तव्य जारी किया है, अगर हमारे आंकड़े गलत हैं तो मुख्यमंत्री श्वेत पत्र ले दें कि हरियाणा के अंदर 7 सालों के अंदर कितना कर्ज उन्होंने लिया और उस कर्ज को किस विकास प्रोजेक्ट में लगाया। ठीक है रावल साहब इस बात पर जवाब देना चाह रहे हैं। जी जरूर दे। देखिए इन्होंने एक आंकड़ा बताया 70,000 करोड़ का, कल हुड्डा साहब भी वही आंकड़ा लिए घूम रहे थे, ये 70,000 करोड़ का बिल्कुल मिसलीडिंग फिगर है, 70,000 करोड़ का आपका बजटरी जो डेफिसिट जिसको आप बताते हैं, इसमें 28,000 करोड़ जो बिजली कंपनियों ने कर्ज लिया हुआ था वो कहां जाएगा, वो बिजली कंपनियां का इटली की थी, हरियाणा की कंपनियों का 28,000 करोड़ का क्यों नहीं आपने डाला हुआ, बता दीजिए कि 28,000 करोड़ नहीं था, 28,435 करोड़ रुपए नहीं थे,
वो क्यों नहीं डाला हुआ, और इस ये नहीं डालना, क्योंकि एक जो जुमलेबाजी की बात कर रहे थे ना अभी वेद प्रकाश जी, ये जुमलेबाजी असल में ये है, और इस जुमलेबाजी का भुगतान हरियाणा को किस प्रकार से करना पड़ता है मैं बताता हूं। इनका इन्होंने 70,000 करोड़ का बजटरी अपना डेफिसिट दिखाया जानबूझकर चलाकी से, और मैं कहूंगा हरियाणा की जनता को नोचने के लिए, लूटने के लिए काम किया इन्होंने, अपने केवल राजनीतिक हित साधने के लिए 28,435 करोड़ को नहीं उसमें डाला, यानी बिजली कंपनियों को बजटरी गारंटी नहीं मिली। उसका नुकसान क्या हुआ, उसका नुकसान हुआ हमें 3.5 गुना ज्यादा महंगा इंटरेस्ट रेट जो है लेकर हमें उसको, उस कर्ज को हरियाणा की जनता पर थोपा गया। क्यों? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक रोजी रोजी पिक्चर दिखानी थी, हरियाणा की जनता के साथ किस प्रकार का छल और कपट करते हैं ये लोग, इस प्रकार की बात सुनिए। अब 28,435 करोड़ इन्होंने उस समय जब सत्ता छोड़ी थी उससे एक बजट पहले का था, जब हम सत्ता में आए तब तक ये कर्ज जो है बढ़कर 35,000 करोड़ हो गया था। हमने उस 35,000 करोड़ वाली कंपनियों को इनहेरिट किया, दोनों कंपनियां जो DHBN है और UBHBN है, इन दोनों कंपनियों को हमने इनहेरिट किया, और आज सृष्टि जी आप मुझे समय दीजिएगा ये बताने के लिए, छोटी सी बात है कि आज वो कंपनियां जो है 1,500 से 2,000 करोड़ के मुनाफे में है, जो इनके समय 35,000 करोड़ के नुकसान में थी वो आज जो है हमारे सामने 1,500 से 2,000 करोड़ के मुनाफे में, कब, जब पूरे देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली जो है भाजपा की हरियाणा सरकार ट्यूबवेल में देती है 10 पैसे प्रति यूनिट। बता दें किस एक राज्य में 10 पैसे प्रति यूनिट ट्यूबवेल की बिजली मिलती है, डोमेस्टिक हो या कमर्शियल हो, जो अनलिमिटेड बिजली है, कोई केजरीवाल कहीं पर 100, 150, 200 यूनिट का कोई वादा करता है वो नहीं, जो अनलिमिटेड डोमेस्टिक या कमर्शियल बिजली है सबसे सस्ती देती है। मैंने जब अपना लालन पालन जब मेरा हो रहा था, मेरा बचपन के समय जो है मेरे गांव के अंदर जो है हफ्ते में 2 दिन बिजली आया करती थी, आज हफ्ते में 7 दिन केवल बिजली नहीं आती बल्कि 5657 गांव में, यानी 83% हरियाणा के गांव में आज 24 घंटे बिजली आती है। हुड्डा साहब के समय एक गांव में, हुड्डा साहब के भी गांव में अगर 24 घंटे बिजली आती हो तो बता दें, यहां पर सांगी गांव था उनका, क्या सांगी गांव में भी 2014 में आती थी? हमने 83% गांव को किया और इसके बाद हम मुनाफे में लेकर आए अपनी कंपनियों को, ये बोलते हैं। दूसरी क्या कहते थे, लूटने और खसूटने की बात, जुमलेबाजी की बात करते हैं ना, ये जुमलेबाजी का एक और उदाहरण देता हूं। एग्रो मॉल बनाए, 1,000 करोड़ रुपया हरियाणा का एग्रो मॉल बनाने में लगा दिया, क्यों, इन्होंने अपना एक्सपेंडिचर दिखाना था एग्रो मॉल दिखाने में, उसमें क्या एक भी आलू, एक भी प्याज, एक भी अनाज का दाना जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उसका कोई कार्यकर्ता या कोई किसी सरकारी अधिकारी या किसी एक किसान ने आज तक हुड्डा के समय बेचा था क्या, एक दाना भी बेचा हो? 1,000 करोड़ हरियाणा की जनता का खा लिया, लूट लिया, इस प्रकार उसके बाद बोलते हैं। दूसरा उदाहरण देता हूं, 14,800 इन्होंने जो है ई लर्निंग के नाम पर एक डिजिटल सेटअप बनाया, सैटेलाइट सिस्टम की बात की, उसके लिए 1,000 करोड़ हरियाणा के एक्सचेकर का गया, एक एक बच्चे ने भी अगर कोई ई लर्निंग इनके समय की हो, एक बच्चे ने, एक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, ये पैसा जो है कायदेतन तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की निजी संपत्ति को बेचकर लेना चाहिए, हरियाणा की जनता के ऊपर इन्होंने केवल अपनी जुमलेबाजी के कारण थोप दिया। चुनाव जीतने के लिए इतने घटिया काम करते हैं ये, जो एक किसी का सेटटॉप बॉक्स नहीं था, किसी के छतरी नहीं थी, और वेद प्रकाश जी आपको चैलेंज करता हूं उस डिबेट के अंदर, एक बच्चे ने भी ई लर्निंग आपके समय तक की हो, 26 अक्टूबर 2014 तक आपकी सरकार रही है, तब तक एक बच्चे ने ई लर्निंग की हो, और कितने करोड़ों रुपए का आपने नुकसान किया, इसकी बात करें, आज हम 5 लाख टैबलेट रावल साहब रोक रहे हैं आपको, गरीब बच्चों को, और रोक रही हूं आपको, हमने इसका सेग्रीगेशन किया। कल की अगर बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, तमाम तरीके के आरोप उनके द्वारा लगाए गए थे, जिसमें सर आ रही हूँ सर, आप उसी एक सवाल कर रहे हैं, उसी में अपना जवाब दीजिएगा। Only 10 seconds, please. I request you. ठीक है सर, ओके. I request you only 10 seconds to complete this thing. हम 5 लाख जब बच्चों को दे रहे हैं 10वीं 11वीं 12वीं में, हम उसकी जात पात नहीं देख रहे हैं, गरीब अमीर नहीं देख रहे हैं, ग्रामीण शहरी नहीं देख रहे हैं, हर बच्चे को जो भी 10वीं 11वीं 12वीं में सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है सबको दे रहे हैं, और उनमें 3,70,000 हम दे चुके हैं, और उनको सिर्फ टैबलेट नहीं दे रहे, सिम भी दे रहे हैं, हर रोज का 2 GB डाटा भी दे रहे हैं। ये होती है डिलीवरी, ये होती है डोर स्टेप डिलीवरी। आप लोग तो बेवकूफ बनाने का काम करते थे और दूसरों को जुमलेबाज कहते हैं। 1958 से लगे हुए आप गरीबी हटाओ, नेहरू जी ने कहा था 1958 में गरीबी के खिलाफ, अब लड़ाई गरीबी के खिलाफ करूंगा, चीन के साथ लड़ाई हुई हार गए लेकिन गरीबी हटी क्या? 1971 में इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ाया था, इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ, गरीबी हटी क्या?
2004 में कांग्रेस कांग्रेस तो कह रही है ना कि आर्थिक संकट आ गया है हरियाणा में। वेद प्रकाश जी से मैं इस पर सवाल लेना चाहूंगी। वेद प्रकाश जी क्योंकि रुकिए ना रावण साहब, रुकिए आर्थिक संकट, रावण साहब रुकिए, कांग्रेस में आ गया। वेद प्रकाश जी कांग्रेस की तरफ से क्योंकि चर्चा हम कर रहे हैं, आपकी तरफ से आरोप भी लगाए गए थे, कर्ज का आपने जिक्र किया था, आर्थिक संकट हरियाणा में आने की भी आपने बात की थी, तो किस किस बेसिस पे सर आर्थिक संकट का ये जो शब्द है इसका उपयोग किया गया था? देखिए भाजपा झूठ की खान है, झूठ की जुगाली करते हैं। इन्होंने दावा कर दिया कि हमने हरियाणा को चौबीस भाई साहब ऐसे नहीं चलती बात, पर आप आंकड़े दिए, मैंने आंकड़े डिस्प्यूट कीजिए, ये भूल गए, ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट, आंकड़ों पर ही बात कर रहा हूँ, जरा सुन लीजिए, ये भूल गए कि हरियाणा में 4 थर्मल प्लांट हमने लगाए थे, तब कर्ज हुआ था इन कंपनियों पर। आपने 1 थर्मल प्लांट नहीं लगाया, आपने हमारे लगाए हुए थर्मल प्लांटों को बंद किया, एक, एक, और एक यूनिट बिजली भी उनमें से हरियाणा की जनता को मिली, 4 प्लांट में से एक यूनिट बिजली भी हमारे हिस्से केवल राहत आई, केवल प्रदूषण आया। एक एक करके राहुल साहब, एक एक करके, मैंने एक यूनिट, 4 यूनिट के साथ साथ ये भी बता दीजिए कितनी बिजली थी, मैं चुप हो जाता हूँ सर, आपसे रिक्वेस्ट है आप ये बताइए, एक यूनिट बिजली 4 प्लांट लगा दिए उससे किसका भला हुआ? वो तो विदेशी कंपनियों से पैसे खा के आपने लगाए, वहां पर भी कमीशन पारित हुई, एक यूनिट बिजली हरियाणा की जनता को मिली। राहुल साहब रुकिए ना, आपको मौका नहीं मिल पाएगा, नहीं मिली। ये कितने असत्यवादी लोग हैं, रुकिए राहुल साहब, हमारे लगाए हुए प्लांटों से ये बिजली पैदा कर हरियाणा को बिजली दे रहे हैं। इन्होंने एक प्लांट लगाया तो बता दो, इन्होंने तो हमारा लगाया हुआ प्लांट झाड़ नहीं था, एक यूनिट बिजली नहीं, इन्होंने एक यूनिट बिजली चैलेंज के साथ कह रहा हूं, एक यूनिट बिजली। तो झूठ बोलना झूठ, इसके अलावा इनका कोई लक्ष्य नहीं, झूठ और लूट इनके दो ही लक्ष्य हैं। इन्होंने कहा कि भाई हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, चलिए ठीक है, अच्छा चलो प्रशिक्षण शिविर पर आ जाते हैं। सपरा साहब से मैं जानना चाहूंगी, सपरा साहब हालांकि बीजेपी को कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की पार्टी कहा जाता है, शहरी लोगों की पार्टी कहा जाता है, लेकिन ये जो प्रशिक्षण शिविर है इसका मकसद ये भी है कि शीर्ष नेता से लेकर कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं तक उपलब्धियां पहुंचाना है जो बीजेपी ने अब तक काम किए हैं उनको पहुंचाना है ताकि वो आगे जनता तक पहुंचा सके। तो ये जो बेस लेवल, जो ग्राउंड लेवल जो मजबूत किया जा रहा है, ये कितना जरूरी? देखो बीजेपी के 2 सांसद थे और 2 सांसदों से आज उसने लगातार दूसरी बार केंद्र में मेजोरिटी प्राप्त की है। अब उसका सबसे बड़ा, उसकी जो उपलब्धि है वो यही शिविर है, जो उसका जो संगठन है, और ये एक अच्छे संगठन के लिए ये संवाद, ये जो कम्युनिकेशन है, ये बहुत जरूरी होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, मतलब इसी ये जो कमी है ना, ये कांग्रेस में है, क्योंकि वो इस तरह के जो है ना ये शिविर नहीं कर पा रही। अब उसने उदयपुर में भी जो शिविर किया राष्ट्रीय लेवल का, वो कई साल बाद हुआ। आप हरियाणा में देखो संगठन, आज भी संगठन नहीं, 8 साल हो गए, तो वो शिविर कहाँ कर पाएगी? लोग इकट्ठे ही नहीं हो पाते कहाँ पे। अब राज्यसभा चुनाव आप देख लीजिए हरियाणा में, मतलब इतने MLA, इतनी मेजोरिटी होते हुए भी वो माकन साहब हार गए यहाँ पे। तो ये भाजपा की ये जो रणनीति है, ये इसकी विशेषता है, और ये विशेषता के कारण ही आज ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, लोग भाग नहीं रहे यहाँ पे कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, और कांग्रेस में उल्टा हो रहा है। और यहाँ पे मैं ये कहूँ, और दूसरी जो पार्टी है, चाहे वो आप है, अभी नैलो का क्या हाल है सबको पता है क्या हाल है। और अब सबसे बड़ी बात ये है, जो 2024 है, ये भी चर्चा बिल्कुल चल रही है। अब इन्होंने अपने पंचकुला में भी परिषद की मीटिंग में इन्होंने वहां पे एक मैसेज सा दिया है, भाई अगली बार जो भाजपा 2024 में जो विधानसभा चुनाव भी उम्मीद है वो अकेले लड़ेगी। वो अपने आप को इस तरह से तैयार कर रही है, भाई विधानसभा चुनाव बैसाखी के सहारे ना लड़कर, JJP के सहारे ना लड़कर, या किसी और पार्टी के साथ ना लड़कर, अकेले दम पे लड़ा जाए। और इन सब चीजों के लिए ये जो शिविर है, ये इसकी एक अच्छी उपलब्धि है, और ये शायद ये इसके लिए दूर जो है मील का पत्थर साबित होगी, और इसका फायदा होगा। तो ये सारे चिंतन तो हो ही रहा है, भाई सारे जो भी पार्टी, जो भी कमियां हैं उसको सुधारा जाए, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं नए। सबसे बड़ी बात है कितना वेल ऑर्गेनाइज है, और कितने दिनों से तैयारियां की हुई हैं, और सभी कार्यकर्ताओं की हर लेवल पे इन्होंने ड्यूटीज लगाई हैं, तो इससे इसको फायदा होगा। और ये वैसे तो सभी पार्टीज, राजनीतिक पार्टी जो भी पार्टी, अगर वो कहती है हम देश सेवा करना चाह रहे हैं, लोगों से जुड़ना चाहते हैं, तो उसको इस तरह से मंथन बहुत ही जरूरी है ये राजनीति के लिए। और जो ये भाजपा जो है, ये इसकी विशेषता है, एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट, मैं तो यही समझता हूँ।
और इस तरह से सभी पार्टीज को करना चाहिए। अगर उनमें अब गुटिज्म है तो पार्टी का स्टेट लेवल की, अब कांग्रेस देखो बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी मीन काफी इसके विपक्ष तो है ही है, इतने बड़े MLA हैं। अब ये राष्ट्र अपने राज्य स्तर पे विधानसभा चुनावों के बाद मुझे ध्यान नहीं है कोई रैली करी, और ये तो विद्रोही साहब बताएंगे, वेद प्रकाश जी खुद बताएंगे, राज्य स्तर पे कांग्रेस ने अगर कोई रैली किया विधानसभा चुनाव के बाद, कांग्रेस को जरूरत नहीं है कि ऐसे प्रशिक्षण शिविरों की? कांग्रेस के तमाम जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता है, क्या वो नहीं चाहते कि शीर्ष नेतृत्व उनसे मिले और उनको गाइड करे? आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पर आप ये मत भूलिए विधानसभा चुनाव के फौरन बाद कोविड का संकट आ गया था और दो साल से लगभग सभी पार्टियों की जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो ठप सी पड़ गई थी, उसमें हमारी भी थी, भाजपा की भी थी, और भाजपा अपने प्रशिक्षण शिविर इन्होंने भी दो साल बाद लगाया है, अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं हैं। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, भाजपा का विश्लेषण करने से पहले आप इनको दो सांसदों की जो पार्टी बनाते हैं वो तथ्यात्मक रूप से गलत है। भाजपा का जनसंघ से भाजपा का नाम बदलने से भाजपा उसका पिछला इतिहास आप क्यों भूल जाते हैं? 70 के अंदर भाजपा के 113 सदस्य जनसंघ जनता पार्टी के रूप में बने थे। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा रातों रात 84 के बाद दो सांसदों की पार्टी इतनी बनी थी, इनके 113 सांसद बन चुके थे 70 के अंदर। नहीं तो आप इतिहास का जिक्र कर रहे हैं, इतिहास का जिक्र कर रहे हैं सर, लेकिन क्या अगर कांग्रेस की, मैं कह रहा हूँ हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये मान के मत चलिए कि इनके दो सांसद थे, मैं कितनी बात कह रहा हूँ। और जहां तक शिविर की बात है, अच्छी बात है, हर दल को लगाना चाहिए, अब दो साल की वजह से हम भी नहीं लगा पाए, अब हम भी अपनी गतिविधियां तेज करेंगे, और हमारा शिविर भी लगना था, हमारा भी दो दिन का शिविर फिक्स हो गया था पर हरियाणा के अंदर जब ये चुनाव आ गया राज्यसभा का, और चलिए अच्छी बात है कि कांग्रेस इस चीज को कम से कम समझ तो रही है कि कितनी जरूरत है। मैं सीधे मेरे सहयोगी राजेंद्र दहिया का रुख कर रही हूँ, अपडेट देने के लिए राजेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। सृष्टि जी, राजेंद्र सर आ रही हूँ, सर आ रही हूँ, मुझे निकलना पड़ेगा। सृष्टि जी मेरा एक अंतिम बात ले लीजिए मेरी। चलिए ठीक है, ठीक है रावत साहब, शिविर का हिस्सा हूँ। ठीक है सर, राजेंद्र मैं आ रही हूँ आपके पास, एक लास्ट कमेंट। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साहब कांग्रेस के प्रवक्ता साहब बता रहे थे कि कोविड का संकट आ गया था, उससे पहले वो आर्थिक संकट भी बता रहे थे, बेरोजगारी भी बता रहे थे, बहुत कुछ बता रहे थे। देखिए ये कोविड का संकट वास्तव में आया था, पूरी दुनिया के लिए आया था, इसमें बहुत सारे मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, बहुत परिवारों में मातम रहा, लेकिन ये भी बात है कि कांग्रेस के लिए कोई अलग विशिष्ट रूप से कोई संकट था मुझे नहीं पता, संकट तो बहुत सारे हैं कांग्रेस में हम सब जानते हैं, लेकिन जब जिसको ये कोविड का संकट बता रहे हैं उस कालखंड में भारतीय जनता पार्टी ने, केवल हरियाणा की बात करूं, केवल हरियाणा की, तो 19,786 बूथ के अंदर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। आज 60,000 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उस कालखंड में जिसमें कांग्रेस पर संकट था, उस कालखंड में ही भाजपा के कार्यकर्ता 60,000 प्रशिक्षित हुए। और संकट तो इनके पास पुराना है, कोविड से भी पुराना है, आज तक ये तीन इनके प्रदेश अध्यक्ष रह गए, वो आज तक अपनी अपनी पदाधिकारी नहीं बना पाए, अपनी प्रदेश की टीम नहीं बना पाए, अपने जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए, इनका संकट तो एक संगठन तो इनका किस प्रकार का है हम सब जानते हैं, फिर किस प्रकार से एक के बाद एक ये जो है चीजें करते हैं। अभी बहुत सारे लोग जयपुर वाले, चलिए ठीक है रोक रही हूँ, सॉरी राहुल साहब रोक रही हूँ आपको, क्योंकि सीधे कार्यक्रम से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, थोड़ा अपडेट उनसे भी ले, बहुत शुक्रिया राहुल साहब टाइम देने के लिए। राजेंद्र थैंक यू सो मच। बिल्कुल हम यहाँ पर जी, राजेंद्र जी दिग्गज हैं वो यहाँ पर पहुंच सके, हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, इनसे भी हम जान लेते हैं। विपुल जी मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, तमाम बड़े नेता यहाँ पर आ चुके हैं, आप भी पहुंचे हैं, क्या कुछ रहने वाला है? देखिए 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर है जिसमें हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख लोग यहाँ पर हैं, मंत्री हों, विधायक हों, चाहे कार्यकारिणी के लोग हों। आने वाला 2024 कैसा होगा, जो पूर्व में किसी तरीके की कोई कमियां, कोई या कोई बात छूट गई है उसको समायोजित करके 2024 के लिए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, हमें दोबारा उस 2024 की तैयारी के लिए यहां पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और एक कहते हैं ना, पूरे आगाज आप देख रहे हैं किस तरीके का, तो अंदाज कैसा होगा इसका रिजल्ट आप जान सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल मुहाने पे पहुंच चुका है, कर्जे में दबा हुआ है,
देखिए उनके पास इसके अलावा कहने के लिए भी क्या है, आम जनता सब समझती है कि विपक्ष के नाते उनके पास और है भी क्या, क्या कहेंगे, उनका अपना दायित्व है विपक्ष के नाते क्रिटिसाइज करना, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष नहीं जनता तय करती है, और जनता बार बार चाहे आप निकाय चुनावों के अंदर देखिए किस तरीके से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज कराई है, तो इसलिए जनता यहाँ फैसला करती है। जो आज अनुभव है उनको शेयर करेंगे जो बड़े नेता हैं, यहाँ जो सत्र चलेंगे उनसे ट्रेनिंग लेके जो कार्यकर्ता हैं वो फील्ड में जाएंगे, जो जनकल्याणकारी नीति है उनको लोगों तक पहुँचाएंगे, और 2024 का जो लक्ष्य है लोगों तक पहुँचाने के लिए क्या कुछ देने वाले हैं। देखिए लोकतंत्र का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 साल पूरे होने जा रहे हैं हमारी आजादी को, और 75 साल के जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने किस तरीके से काम किया, और भारतीय जनता पार्टी उससे किस तरीके से अलग है और किस तरीके का काम कर रही है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इतनी सारी लाभकारी नीतियां थी उनको जनता तक पहुंचाने का काम, इतनी नीतियां जो पिछले 65 साल के अंदर नहीं बनी 8 साल के अंदर बनाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, और उनको आखिरी छोर तक पहुंचाने का काम। एक सबसे बड़ी बात, हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि जब मैं यहाँ से 1 रुपया बेचता हूँ तो 85 पैसे बीच में रह जाते हैं और 15 पैसे नीचे पहुँचते हैं, लेकिन सबसे पहले आज मनोहर लाल जी के अब नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 100 रुपये बेचते हैं, 100 के 100 आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति को पहुँचते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं आज जो प्रशिक्षण शिविर है उसी बात को लेकर है, क्योंकि जो नीतियाँ चलाई जाती हैं उनको जो व्यक्ति अंतिम छोर पर खड़ा है उस तक पहुँचाया जाएगा, उसको उसका लाभ दिलाया जाएगा, इसको लेकर यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो क्या मानते हैं हम लोगों को और ज्यादा लाभ मिल पाएगा पहले से? बहुत ही जबरदस्त, इससे लोगों को चाहे केंद्र के इलेक्शन की बात हो चाहे प्रदेश के इलेक्शन की बात हो लोगों को लाभ पहुँचना बहुत ही जबरदस्त। कार्यकर्ता जब एक तरीके से तैयार होकर उत्साहित होकर नया विजन लेकर जब वहां पर पहुंचेंगे, और आगे भी हमारी पार्टी क्या करने जा रही है लोगों के लिए, जब ये सब बातें लेकर कार्यकर्ता तैयार होगा तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़े प्रभावी ढंग से हम 2024 के चुनाव के लिए तैयारी कर सकेंगे। 2024 के लिए जो तैयारी है उसको लेकर जो आज यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाना है, सूरज कुंड को लगातार जो जब भी आपका कोई शुरुआत होती है तो आगाज सूरज कुंड से होता है, इसके पीछे का रहस्य? देखिए सूरज कुंड एक ऐतिहासिक धरती है और बड़ी पौराणिक धरती है, और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने जब 2013 के अंदर कार्यकारिणी की थी तो 2014 के अंदर सरकार बनाने का काम किया, 2014 के अंदर जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी MPs का प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर हुआ, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो भी कार्यशालाएं आज तक सूरज कुंड के अंदर हुई है वो हमेशा सफलता के पैमानों को छूने का काम किया उन्होंने, कहीं ना कहीं सफलता के पैमानों को छूने का काम कर। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी थे, उन्होंने साफ तौर पर पूरे प्रशिक्षण के बारे में बारीकी से जानकारी दी। और राजीव, मैं चाहूंगी कि आप और तस्वीरें दिखाइए कार्यक्रम की, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है और आने जाने वालों का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। देखिए बिल्कुल मैं आपको दिखा दूं कि रामविलास शर्मा हैं जो वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं सामने, और तमाम जो कार्यकर्ताओं का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि काफ़ी उत्साहित जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और लगातार यहाँ से अब सीधे उस हॉल की तरफ रुख किया जा रहा है इन सभी का, ताकि जो हॉल में जो सत्र शुरू होना है जिसका शुभारम्भ आज मुख्यमंत्री कर देंगे और 4 सत्र यहाँ पर आज शाम तक चलाए जाएंगे, तो उसको लेकर लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। साफ तौर पर कहें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्यक्रम इनका यहाँ पर देखने को मिला है पूरा हरियाणा स्तर पर, और तमाम जो दिग्गज हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि टेबल लगाई गई हैं, टेबलों पर पहले अनुशासन शासन के तौर पर यहाँ पर पहले एंट्री की जाती है, उसके बाद उसको आई कार्ड वगैरह और वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार जो पहले से ही उनको प्रशिक्षण, मतलब यहाँ घुसते ही उनका प्रशिक्षण शुरू हो जाता है, और यही प्रक्रिया जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के मनोहर लाल, इसी प्रक्रिया से वो खुद भी यहाँ से गुजरते हुए अंदर तक पहुँचे हैं। सामने आप देख सकते हैं पंचकूला वाला यमुनानगर कुरुक्षेत्र और करनाल का जो टेबल लगा है टेबल नंबर 1, तो वहाँ से उनका जो है एंट्री वहाँ से कराई गई, वहाँ पर सीधे तौर पर कहें तो सीधे वहाँ टेबल पर पहुँचे और वहाँ से अपना एंट्री करने के बाद अपना आई कार्ड लेने के बाद वो अंदर गए, और कहीं ना कहीं एक जो अनुशासन की अगर यहाँ पर इन्होंने बात कही है वो पाठ यहाँ पर पढ़ाया जाना, तो वो वाकई यहाँ पर जो है
देखने को भी मिला है, क्योंकि तमाम और कार्यक्रम के अंदर की तस्वीरें अगर मैं राजेंद्र जाना चाहूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं, क्या संबोधित कर रहे हैं या अभी समय लगेगा, अभी कार्यक्रम में अंदर क्या चल रहा है? देखिए अभी अगर बात करें सृष्टि, तो कुछ समय यहाँ पर लगना है और कहीं ना कहीं अभी कुछ देर बाद वहाँ पर वो शुरू होगा। हालांकि वहाँ पर मीडिया को अंदर जाने की या किसी भी बाहरी व्यक्ति को जाने की वहाँ पर अनुमति इनकी तरफ से नहीं दी गई है, और कहीं ना कहीं लगातार जो है जो नेता हैं या कार्यकर्ता केवल वो ही उसके अंदर जा सकते हैं। हालांकि अभी मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे नहीं है, कुछ देर में वहां पर पहुंचेंगे तो कोशिश की जाएगी और हमारा कोशिश रहेगी कि भाई लोगों तक हम सीधी जो यहां का जो दृश्य है वो पहुंचा सकें। तो कहीं ना कहीं जो है कोशिश करते हैं कि रामविलास शर्मा यहाँ पर पहुंचे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी कार्यकर्ताओं से जो मुलाकात कर रहे हैं, रामविलास शर्मा यहाँ पहुंच चुके हैं पहले से ही, और बड़े नेता कैप्टन अभिमन्यु यहाँ पर पहुंचे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं सामने कैप्टन अभिमन्यु जा रहे हैं और रामविलास शर्मा हैं, इनसे भी हम कोशिश करेंगे जानने की। तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँचते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। कैप्टन साहब नमस्कार, रजिस्ट्रेशन करो बेहतर तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया है, पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके बाद बात करने की बात है। जी 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 बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन पहले इनका चलिए। राजेंद्र बने रहिए, बने रहिए, मुख्यमंत्री है जो आप नजर बनाए रखिए कार्यक्रम पर, और चर्चा भी लगातार हम जारी रख रहे हैं। विदु रावल जी अब नहीं है चर्चा में हमारे साथ, वेद प्रकाश विद्रोही जी फोन लाइन पर जुड़े हैं और सप्रा साहब स्टूडियो में लगातार मेरे साथ मौजूद हैं। सप्रा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस कहीं ना कहीं जहां जहां पिछड़ती हुई नजर आई है, उसके पीछे एक वजह यह भी मान सकते हैं क्या कि जिस तरह से बीजेपी के अंदर शीर्ष नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक बातचीत होती है, चर्चा होती है, एक समन्वय जो है वो स्थापित रहता है, क्या कांग्रेस में इस चीज की कमी है? देखो, किसी भी, चाहे वो बिजनेस हो, कोई भी एंटरप्राइज हो, और ये तो देश की पूरी बड़ी पार्टी है, मतलब किसी भी पार्टी के लिए उसका जो संगठन है उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। बड़े बड़े जो मैनेजमेंट जो विद्वान है उन्होंने भी यही कहा है, भाई आप हमारे से हमारी इंडस्ट्रीज ले लो, हमारा पैसा भी ले लो, हमारी मशीनरी भी ले लो, परंतु उस इंडस्ट्री का जो संगठन है ना वो मेरे पास छोड़ दो। अब यही संगठन से हमारे जो कांग्रेस है, जो बड़ी पार्टी है, जो बिल्कुल विपक्ष है, वो उससे जो है पिछड़ी हुई है। 8 साल से संगठन ही नहीं है, विद्रोही साहब ने भी माना बिल्कुल ही, और कितनी गुटबाजी थी, पहले तंवर साहब, फिर शैलजा मैडम, और अब कुलदीप का भी सीन हो गया, उसमें राज्यसभा का चुनाव भी हो गया। इन चीज़ों से जो है ना कांग्रेस जूझ रही है, और जो भाजपा है देखो बड़ी पार्टी है, परंतु अब यहाँ पे इतने बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो बेरोजगारी है, महंगाई है, और कोरोना की मार है, पिछला चुनाव कोई अच्छा नहीं रहा भाजपा के लिए। बिल्कुल विद्रोही साहब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 75 बार का इन्होंने नारा लगाया और 40 पे सिमट गई। हाँ। और सबसे बड़ी बात ये है, चाहे जितने भी शिविर किए हो, जितना भी संगठन हो, इसके सारे सारे जो मंत्री हैं बड़े बड़े, रामविलास शर्मा जी हैं, और मतलब सारे बड़े मंत्री एक दो को छोड़ के सारे चुनाव हार गए। पूरे प्रदेश में इन्होंने रैलियां की, बड़े बड़े प्रोग्राम किए इन्होंने, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हार गए सुभाष बराला जी। अब उनको ये भी देखना पड़ेगा, चिंतन वहां पे और आज में क्या फर्क है, आज भी वही समस्याएं हैं, मतलब जो है ना नेगेटिव वोटिंग है आज भी। हाँ। 10 साल हो जाएंगे जो है भाजपा के शासन को, उससे उसको जूझना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है भाजपा पार्टी के लिए, वो जितने मर्जी शिविर कर ले, परंतु जनता देख रही है, जनता को शिविर से लेना देना नहीं है, चाहे वो 5 स्टार में बैठ जाए, चाहे रावल साहब चले गए हैं, मतलब जनता को रोटी चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको जो डेली की जो नीड्स हैं, बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, स्कूलों में टीचर है ही नहीं, कहाँ पे है, कॉलेजों में टीचर नहीं है, सारे नकली डिग्री लेके कर रहे हैं, और रोज पेपर लीक होते हैं, रोज भ्रष्टाचार के मामले, रोज भ्रष्टाचार पकड़े जाते हैं, चाहे लीक वाले जो करवाते हैं पकड़े जाते हैं, परंतु प्रॉब्लम तो है ना, मेन चीज है उन पे नियंत्रण तो नहीं हो पा रहा। तो ये जनता, आम जनता सारी जानती है, आम जनता का शिविर से क्या लेना देना, उनको पता ही नहीं, उसको बेचारा सुबह देखता है भाई मुझे रोटी चाहिए, दोपहर को रोटी चाहिए, खुद को कैसे मजबूत बनाए उसके लिए जरूरी हो जाते हैं। और सीधी तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, वेद प्रकाश जी भी मेरे साथ जुड़े हैं, टाइम कम है इसलिए रोक रही हूँ सप्रा साहब आपको। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपसे आखिरी कॉमेंट ले रही हूँ, क्योंकि आपने खुद कहा कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रम की, इस तरह की शिविर की जरूरत है, फाइनल कॉमेंट सर आपका।
वेद प्रकाश जी, साहब ने बिल्कुल सही विश्लेषण किया है। हमारा संगठन नहीं था, संगठन कमजोर था, इसलिए भाजपा 2019 में बाई डिफॉल्ट सत्ता में आ गई। और जब तक हम संगठन को अपना मजबूत नहीं करेंगे और जो पुराना ढांचा कांग्रेस का था उसके आधार पर चलेंगे तो हम आज की भाजपा के मुकाबला नहीं कर सकेंगे। संस्कृतियां बदल चुकी हैं, इसलिए हमें अपने संगठन को मजबूत करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए ठीक है, हमें अपनी बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश विद्रोही जी और सुभाष सप्रा साहब जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बीजेपी का मिशन ट्रेनिंग जारी है, 3 दिनों तक ये शिविर चलेगा और इसकी पल पल की अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल पार्टी समझ रही है कि शीर्ष नेतृत्व से लेकर निचले स्तर तक कार्यकर्ताओं को मजबूत करना कितना जरूरी है। इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।